वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपको स्वागत करता हूँ। इकाई 5 राष्ट्रीय कूट पाल और प्रतिहार त्रिपक्षीय संघर्ष। उद्देश्य प्रस्तावना आरंभिक मध्ययुगीन भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं। राष्ट्रकूट पाल गुजर प्रतिहार पाल प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष। उपसहार सारांश उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप निम्न समझ सकेंगे। आरंभिक मध्यकालीन राजनीतिक प्रक्रियाएं और संरचना। राष्ट्रकूट पाल और प्रतिहार राज्यों की उत्पत्ति। राष्ट्रकूट पाल और प्रतिहार राज्यों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष। प्रस्तावना आरंभिक मध्यकालीन राजनीतिक प्रक्रिया। राजनीतिक शक्ति के वितरण के विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है विभिन्न सामाजिक आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण विभिन्न क्षेत्रीय में प्रतिक्रियाएं और संरचनाएं भिन्न भिन्न थी। भारत में 8वीं और 13वीं शताब्दी के बीच की अवधि न केवल सामाजिक आर्थिक संरचनाओं के दृष्टिकोणों से बल्कि राजनीतिक प्रक्रियाओं के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण थी। इस अवधि के दौरान भारत में कई राज्य और विरासतें उभरी और वह दिल्ली सुल्तान की स्थापना से पहले पनपती रही। इस इकाई में हम राष्ट्रकूट पाल और प्रतिहार राज्यों की राजनीतिक संरचनाओं और कन्नौज पर उनके कब्जे के संघर्ष का अध्ययन करेंगे। आरंभिक मध्यकालीन भारत में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। आरंभिक मध्यकाल उस चरण के साथ मेल खाता है जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ और दिल्ली सुल्तान की स्थापना होनी बाकी थी। यह प्राचीन काल से मध्यकाल तक संक्रमण की अवधि है और इस तरह से इसे आरंभिक मध्यकाल भी कहा जाता है। इससे पहले विद्वानों ने इसे भारतीय इतिहास का डार्क एज काला या अंधा युग कहा था क्योंकि इस काल में कोई केंद्रीय अखिल भारतीय राजनीतिक शक्ति नहीं थी। हालांकि बाद के शोधों से पता चलता है कि इस अवधि में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। इस अवधि के दौरान कई राज्यों का उद्भव और विकास हुआ। इस अवधि में भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में प्रतिहार पाल चौल चहमान चंदेर राष्ट्रकूट और अन्य राज्यों का उदय हुआ। कुछ राज्य लंबे समय तक व्यापक क्षेत्रों पर अपना वर्चस्व बनाए रहे जबकि अन्य का छोटे क्षेत्रों पर नियंत्रण था। आरंभिक मध्ययुगीन भारत को राजनीतिक एकता की कमी से चिन्हित किया गया। ये तथ्य दिया गया कि अरब और तुर्की शासकों द्वारा भारतीय शक्तियों को आसानी से पराजित करने का यही कारण था। हाल के अध्ययनों से उन राजनीतिक प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया है जो इस अवधि के लिए इस तरह के एक खंडित इतिहास का कारण बने। वास्तव में राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन हमें राजनीतिक इतिहास को समझने में भी मदद करता है। विभिन्न राज्यों के उत्थान पतन और राजनीतिक विकास को जानने के लिए विगत कुछ वर्षों में बहुत शोध हुए। इतिहासकार डीडी कोसावी आर एस शर्मा और बी एन एस यादव ने इस काल के प्रमुख सामाजिक आर्थिक विकास को संवादवाद का विकास बताया। डीडी कोसावी ने दो चरण के विकास के बारे में सुझाव दिए, ऊपर से संवाद और नीचे से संवाद। हालांकि आर एस शर्मा कोसावी के दो चरणीय विकास से भिन्न एक अलग व्याख्या देते हैं। उनकी इस अवधारणा का समर्थन बी एन एस यादव डी एन झा और आर एन नंदिनी ने भी किया। आर एस शर्मा आरंभिक मध्ययुगीन भारत में संवत्ति
तत्वों की जड़ें ब्राह्मणों मंदिरों और मठों को किए गए भूमिहीन अनुदानों से जोड़ कर देखते हैं। यही ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अब दान की कोई भूमि पर राजकोषीय प्रशासनिक और न्यायिक अधिकार भी लाभितों को दिए गए थे। ये अनुदान पुजारियों तक ही सीमित नहीं थे बल्कि बाद में योद्धा वर्ग और अधिकारियों जैसे राज्यपालों न्यायाधीशों सेनापतियों और अन्य राज्य कर्मियों को भी नगद में वेतन के बदले भूमि दी गई। विद्वानों के अनुसार धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष अनुदान वाणिज्य की कमी शहरी जीवन की गिरावट और सिक्कों की कमी से चिन्हित स्थानीय और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के उद्रव के साथ लोकप्रिय हुआ। भारतीय सम्मतवाद के अनुसार जर्मनी मध्यस्थों के उदय से संवत्ति तत्वों की जड़ें मजबूत हुई। इस व्यवस्था ने धीरे धीरे किसानों की गतिशीलता और स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिए। नगरीकरण के पतन वस्तु उत्पादन और विदेशी व्यापार के पतन के कारण इस अवधि में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। सिक्के दुर्लभ हो गए और यह लक्षण उत्तर मध्य भारत में पाल और प्रतिहार राजवंशों और दखन में राष्ट्रकूट राजवंश सहित आरंभिक मध्ययुगीन काल की क्षेत्रीय राजनीतिक में मौजूद थे। इस प्रकार प्रशासन और राजस्व संग्रह का विकेंद्रीकरण हुआ जिसके कारण शासन और शासक के बीच विभिन्न मध्यस्थियों का उदय हुआ। ये स्पष्ट रूप से मौर्य राज्य के विपरीत था जिसमें स्वयं आर एस शर्मा द्वारा अत्यधिक केंद्रीकृत राज्य के रूप में वर्णित किया गया था। इस प्रकार ये काल भूमि अनुदानों का चलन था जिसके कारण व्यत्यता का विकेंद्रीकरण हुआ और पूरी संरचना का ही समाप्तिकरण हुआ। अभिलेखनीय और साहित्यिक साक्ष्यों से पता चलता है कि शासकों ने उत्तर भारत विशेषकर आधुनिक भारत में उत्तर प्रदेश मध्य भारत राजस्थान मलवा और गुजरात में संवत प्रमुखों को अनुदान के रूप में गांवों को सौंपा। वीरता के स्पष्ट कार्यों के लिए भी व्यक्तियों को भूमि अनुदान दिया गया। युद्ध में हार के बाद स्थानीय शासकों को अक्सर विजेता का आधिपत्य स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। इस तरह के प्रमुखों को संवाद रावक और राउत के रूप में जाना जाता था जो वार्षिक कर सम्मान देने और अनिवार्य सेना सेवाओं को प्रदान करने के अलावा विजयी अधिपति को भी व्यक्तिगत रूप से अपना स्वामी स्वीकार करते थे। इस तरह के समागो राको आदि की विभिन्न सैनियाँ थी और जब तक वह प्रमुख शासन का संवत बन रहा तब तक वह खुद को संवत कहता था। लेकिन स्वामी अधिपति की मृत्यु के पश्चात बहुत से संवादों ने इस तरह की अधीनता को त्याग दिया और स्वतंत्र होकर महाराज या महाराज अधिराज जैसे स्वतंत्र स्वयंप्रभु उपाधियों को धारण किया। डी एन झा ने उस समय के आंतरिक सामाजिक व्यवस्था के समाती गठन का पता लगाने की कोशिश की है। उनका तख्त है कि भारतीय समाज के समाप्तिकरण को जानने के लिए सामाजिक स्वरूप को भी जानना आवश्यक है। इस काल में प्रचलित कलयुग की अवधारणा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने और संकर वर्णों का पारस्परिक अंतर्विवाह संबंध
को रोकने से संबोध है। कलयुग की अवधारणा से यह भी तात्पर्य है कि इस काल में वेश्यों और शूद्रों सहित किसानों, कारीगरों और मजदूरों ना तो उत्पादन कार्य करने से इनकार कर दिया या वेश्य किसानों ने करों का भुगतान करने से इनकार कर दिया और आर्थिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम की आपूर्ति करने से इनकार कर दिया। समाप्ति राजनीति की अवधारणा पर अन्य विद्वानों द्वारा व्यापक रूप से चर्चा की गई। इसने इन्हें विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक संरचनाओं को देखने के लिए वैकल्पिक विचार मॉडल विकसित करने के लिए प्रेरित किया। 1980 में बेटनस्टीन ने चोल और विजयनगर राज्यों में राजनीतिक संरचनाओं की व्याख्या करने के लिए सेमेट्री स्टेट मॉडल लागू किए। इसके अनुसार दक्षिण भारत में राजनीतिक प्रक्रिया बिना किसी निश्चित सीमाओं के एक खंडीय संरचना थी, जिसमें बुनियादी सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र एक स्थानीय क्षेत्र था। इन क्षेत्रों में मुखिया उप प्रभाव शामिल थे जो फिर से क्षेत्रों में विभाजित थे। इन सभी खंडों ने मिलकर राज्य का गठन किया। राजा ने राजधानी के आसपास कोर क्षेत्र पर प्रतिपक्ष या वास्तविक नियंत्रण और प्रतिधीय क्षेत्रों पेटीफ्री पर अनुष्ठान संप्रभुता कृषि नियंत्रण का प्रयोग किया। इस प्रकार एक बहुत ही सीमित क्षेत्र केंद्रीय प्राधिकरण के वास्तविक नियंत्रण में था, जबकि शेष परिधीय क्षेत्र राजप्रमुख राजा के लिए प्रथागत या नामपात्र निष्ठा करते थे। हालांकि इस मॉडल ने नाडू के स्थानीय प्रशासन से संबंधित मुद्दों और चोल राजनीतिक में मंदिरों की भूमिका जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान नहीं दिया। इस संदर्भ में आर चपक्कल लक्ष्मी जेम्स हेतेजमैन नोबुरु कसीमा और बाई सुबारा रियालू के शोध द्वारा विकसित वैकल्पिक दृष्टिकोण उल्लेखनीय है। एक अन्य स्पष्टीकरण जो प्रभावित मध्ययुगीन काल की राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के लिए पेश किया गया वह है इंटीग्रेटिव मॉडल। इसके अनुसार तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था ने सामंतों की श्रेणीबद्ध पदानुक्रम को एकीकृत किया और यह मध्ययुगीन राज्य द्वारा अधिक नियंत्रण के लिए सामंतों के संबंध वर्चस्व द्वारा चिन्हित थे और यह वह संबंध थे जो संरचना में अन्य स्तरों पर प्रमुख थे। यह विचार सामयिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक विकास की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करती थी, जैसे ग्रामीण कृषि बस्तियां का 36 प्रसार, वन आधारित सामाजिक व्यवस्था का 66 प्रसार, स्थानीय पथ अनुष्ठान और पवित्र केंद्रों का वितरित एकीकरण। बी डी चट्टोपाध्याय के अनुसार बल के सुगांत संगठन के साथ बड़े जातीय वंश राजनीतिक शक्ति के लिए एक बड़े राज्य संरचना की नींव रख रहे थे। उदाहरण गुजर भूमि, गुजर की भूमि से कई गुजर वंश का पता चलता है। सत्तारूढ़ वंशावली को ओम समूह से आम समूह से अलग करने का सुझाव सामान्य नाम गुजर प्रतिहार द्वारा दिया जाता है, जिसका उपयोग वंशावली द्वारा किया जाता है, जबकि जोधपुर क्षेत्र में कुछ तरह के एक वंश का आधार अलवार में पहले से मौजूद समूह को विस्थापित करके स्थापित किया गया लगता है। पूर्वी राजस्थान में क्षेत्र का स्पष्ट संकेत है जो गुजर कश्तकारों और
गुर्जर प्रतिहार शासक वंश के बीच विकसित हुआ। चट्टोपाध्याय आगे बताते हैं कि गंगा बेसिक घाटी का ढलान, कावेरी बेसिक घाटी का ढलान, कृष्ण गोदावरी दुआहाब जैसे क्षेत्रों में बहुत से ऐसे राज्यों का उतराव हुआ जिनका मूल आधार स्थानीय कृषि के व्यापक विस्तार से संबोध था। उन्हें कृषि संसाधन आधार द्वारा सुविधा मिली। हरमन कुलके ने क्षेत्रीय राज्यों के उत्तरोव में तीन चरणों की पहचान की है। उनकी राय में पहले चरण में एक आदिवासी सरदारी स्थानीय हिंदू राजशाही एक छोटे से क्षेत्र का शासन में बदल जाता था। दूसरे चरण में यह राजकुमार संवादों से घिरा राजा बन जाता था और इस तरह एक प्रभावी राजा स्थापित करता था। और तीसरा चरण शाही साम्राज्य के महान शासकों का उदय हुआ जिन्होंने बड़े क्षेत्रों को नियंत्रित किया और संवातों को उनके दायरे की आंतरिक संरचना में एकीकृत किया। बी डी चट्टोपाध्याय ने इस तीन चरणों को कस्मत स्थानीय उप क्षेत्रीय और क्षेत्रीय राजनीति के रूप में नामित किया है। इस प्रकार चट्टोपाध्याय के कुल के ने शुरुआती मध्ययुगीन राजनीति को भारतीय संवाती मॉडल की विकेंद्रीकृत राजनीति के रूप में नहीं देखा है। इसके अनुसार सत्ता के आधार पर व्यक्तिगत या संस्थागत एजेंटों के माध्यम से ऊपर से नहीं बनाए गए हैं और ना ही उन्होंने पूर्व मध्यकाल के राजनीतिक संरचनाओं राज्य के उत्द्रव को किसी बड़े साम्राज्य के विघटन से जोड़ कर देखा है। उन्होंने इन रणनीति को एकीकृत राजनीति के रूप में देखा है। राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्यों के पतन के बाद राष्ट्रकूट शक्ति का विकास हुआ। दक्षिण 18वीं शताब्दी की शुरुआत से राष्ट्रकूटों के नियंत्रण में था। राज्य के विस्थापन दत्तिद्रुग थे। इन्होंने चालुक्य शासन कार्तिमेयन द्वितीय को हराया और बादामी पर कब्जा कर लिया। उनके उत्तराधिकारी चाचा कृष्ण हुए जिसे एलोरा के प्रसिद्ध शैलो उत्कृष्ट कोनकाट कैलाश मंदिर बनाने का श्रेय दिया जाता है। कृष्ण एक ने सबसे बड़े पुत्र गोविंद दूसरे को उत्तराधिकारी बनाया जो एक शासक के रूप में असफल रहे और उनके भाई ध्रुव द्वारा पराजित हुए जिन्होंने अंत में सिंहासन पर कब्जा कर लिया। ध्रुव ने गंगा पल्लवों और बैगी के शासकों को हराया। इन विजयों ने ध्रुव को पूरे दक्षिण का निर्विवाद अधिपति बना दिया। उसने फिर उत्तर की ओर बढ़ने का फैसला किया और किंजोर की ओर बढ़ गया जहां वह प्रतिहार शासन वज्रराज को हराने में सफल रहा। वह तब पाल शासन धर्मपाल को हराने के लिए पूर्व की ओर बढ़ा लेकिन वह कनौज पर कब्जा और अपनी जीत को बनाए नहीं रख सका। उन्होंने एक विशाल लूट के साथ दक्षिण लौटने का फैसला किया। ध्रुव के शासनकाल में राष्ट्रकूट शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई थी। गोविंद तृतीय के सभी राष्ट्रकूटों में सबसे महान और अभय कहा जाता है। उसने पल्लवों और कनौज के प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय को हराया। जब वह उत्तर में लड़ने में व्यस्त था चोलों पांडवों और पल्लवों ने उसके खिलाफ एक गठबंधन बनाया। हालांकि वह
वह अपने सभी विद्रोहियों को हराने में सफल रहा। उसकी सेना ने कन्नौज को कैप कोमोरिन, कन्याकुमारी और बनारस और ब्रोच के बीच सभी क्षेत्रों को जीत लिया था। बेंगी उसके नामकृत व्यक्ति द्वारा शासित और दक्षिण में द्रविड़ राजाओं की सत्य पूरी तरह से टूट गई थी, यहाँ तक कि सिलोन श्रीलंका के राजाओं को भी अपने अधीन किया। फिर भी राष्ट्रकूट साम्राज्य की प्रतिष्ठा इतनी ऊंची नहीं हुई। उनके पुत्र और उत्तराधिकारी उमोदवंश प्रथम भी एक समक्ष शासन थे। इन्होंने लंबे समय तक शासन किया। वह कला के महान संरक्षक थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश के आधुनिक मालखेड़ की मान्याखेत में अपनी नई राजधानी की स्थापना की। उनके उत्तराधिकारी व्यापनी कृष्ण द्वितीय और इंद्र तृतीय थे। इंद्र तृतीय के प्रतिहार शासन पालीपाल के खिलाफ महिपाल के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए जाना जाता था। बाद के राष्ट्रकूट शासन ज़्यादा समक्ष नहीं थे और उसके बाद चालुक्यों ने 10वीं शताब्दी के अंत में फिर से सत्ता हासिल कर ली। लगभग 753 से 975 ईस्वी तक दखन में राष्ट्रकूट आरोहण की अवधि इतिहास का सबसे शानदार अध्याय है। दखन के इतिहास में उनकी भूमिका की तुलना बाद के काल में इस क्षेत्र में मराठों द्वारा निभाई गई भूमिका से की जा सकती है। राष्ट्रकूट शासकों में से तीन ध्रुव गोविंद तृतीय और इंद्र तृतीय उत्तर भारत गए और अपने समकालीन शक्तिशाली शासकों को करारी शिकस्त दी। दक्षिण में उनकी सफलता भी उतनी ही उल्लेखनीय थी। उन्होंने भारत की सभी महान शक्तियाँ उत्तर में प्रतिहार और पाल और दक्षिण में पूर्वी चालुक्य और चोल को परास्त किया। उन्हें कई बार उलटफेर का सामना करना पड़ा, लेकिन वह अपने शक्तिशाली विद्रोहियों के खिलाफ सफल रहे। पाल हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद लगभग 100 वर्षों तक बंगाल में अपराजकता और भ्रम था। ऐसा कहा जाता है कि बंगाल के लोगों ने अपराजकता को समाप्त करने के लिए गोपाल नामक व्यक्ति को अपना शासक चुना। गोपाल ने लगभग 5 वर्षों तक शासन किया और उन्होंने बंगाल में पाल वंश की नींव सफलतापूर्वक डाली। इस प्रकार 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर आरंभिक 12वीं शताब्दी तक पाल वंश बिहार और बंगाल के बड़े हिस्से को नियंत्रित करता था और कुछ समय के लिए उत्तर भारत की प्रमुख शक्ति था। पाल वंश का राजनीतिक आधार बिहार और बंगाल की उपजाऊ भूमि और विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। गोपाल के पुत्र और उत्तराधिकारी धर्मपाल एक योद्धा राजा थे। उन्होंने पड़ोसियों के खिलाफ सफल युद्ध किए और अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाया, लेकिन जब धर्मपाल सिंहासन पर बैठे तो उन्हें पूर्व की ओर विशेष रूप से प्रतिहार और दखन के राष्ट्रकूट जो अपने इलाके का विस्तार कर रहे थे से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। राजकूट उत्तर के उपजाऊ मैदानों को भी नियंत्रित करना चाहते थे। इस प्रकार धर्मपाल जल्दी ही इन दो शक्तियों के साथ संघर्ष में शामिल हो गए। पहली मुठभेड़ प्रतिहार शासन वस्यराज व धर्मपाल के बीच हुई, जो वस्यराज की जीत के साथ समाप्त हुई। लेकिन इससे पहले कि वस्यराज भी अपनी जीत का जिक्र मानते, उन्हें राजकूट
राजा ध्रुव ने हरा दिया और राजपूतना के रेगिस्तान में शरण लेने के लिए मजबूर कर दिया। ध्रुव के दोराव में धर्मपाल को हराया, लेकिन अपनी जीत के कुछ समय बाद ही वह दखन से पीछे हट गया। इस प्रकार राजकूट आक्रमण ने प्रतिहार शक्ति को नष्ट कर दिया था, जबकि धर्मपाल को प्रतिनिष्ठा का नुकसान नहीं हुआ था। धर्मपाल ने इस स्थिति का फायदा उठाया। वो लगातार अभियानों के द्वारा पूरे उत्तर भारत में अपना वर्चस्व स्थापित किया। उन्होंने इंदिरा युद्ध वासराज के एक जमींदार को हराया और किन्नौज के सिंहासन पर अपने स्वयं के विश्वास पात्र को रखा और किन्नौज में एक विशाल दरबार का आयोजन किया। धर्मपाल के साम्राज्य को मोटे तौर पर 3 अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया गया था। बंगाल और बिहार ने अपने नामी का गठन किया, जो सीधे उसके द्वारा शासित थे। इसे परे किन्नौज का साम्राज्य एक करीबी निर्माता था। इसका शासन निर्मित किया गया था और सीधे उसके अधीनस्थ था। पंजाब के पश्चिम ओर दक्षिण में आगे पश्चिमी पहाड़ी राज्य राजपूतना, मालवा और बलार कई जमींदार राज्य थे, जो धर्मपाल द्वारा शासित पर्वतों का एक अभियंग हिस्सा नहीं थे, लेकिन इस जिनके शासकों ने उसकी आधिपत्य के रूप में स्वीकार किया। हालांकि उसे प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने चुनौती दी और पराजित किया। एक बार फिर वह राजकूटों के हस्तक्षेप से बच गया, लेकिन राजकूट शासन गोविंद द्वितीय जल्दी ही दखन के लिए रवाना हो गया और धर्मपाल एक बार फिर अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं का विस्तार करने लगे। 32 साल उससे अधिक के शासनकाल के बाद उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी देवपाल ने व्यापक पर्वतव बरकरार रखा। देवपाल एक समक्ष शासन भी थे। उन्होंने न केवल अपने पिता से विरासत में मिली साम्राज्य को बनाया रखा, बल्कि अपनी सीमाओं को भी बढ़ाया। उन्होंने एक आक्रमण साम्राज्यवादी नीति का पालन किया और अपना अधिकांश जीवन सैन्य गतिविधियों में बिताया। उन्होंने 3 पीढ़ी के प्रतिहार शासकों यानी नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र और भोज के साथ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी और उत्तर भारत में पाल वर्चस्व बनाए रखा। उनका लगभग 40 वर्ष तक लंबा शासन रहा। वह काल के आरक्षण थे और एक महान वास्तुकार थे। उन्होंने कई बौद्ध मठों और मंदिरों का निर्माण किया था। कहा जाता है कि बोध गया में महान बोधित मंदिर का निर्माण उन्होंने उनके संरक्षण में किया गया था। 2 महान शासकों धर्मपाल और देवपाल के बाद पाल कुछ समय के लिए विनगण्य हो गया। उनकी शक्ति पटना के आसपास तक ही सीमित थी और उन्होंने बंगाल पर अपनी पकड़ पूरी तरह से खो दी। केवल महिपाल 1988-1038 ने पाल शासन की महत्ता को बरकरार किया। हालांकि वह चोल राजा राजेंद्र प्रथम के उत्तरी अभियान से अस्थिर रूप से प्रभावित था। उनके उत्तराधिकारियों के प्रथम में कलचुरियों के साथ लगातार झगड़े से पाल शक्ति कम हो गई थी। कीतकों ने भी पाल शासन के लिए पून में समस्या उत्पन्न की। रामपाल ने कैतेंत शक्ति को समाप्त किया और वह कुछ समय के लिए पाल वैष्णव को पलहार करने में समक्ष सफलता हुआ, लेकिन उनके कमजोर उत्तराधिकारी वंश की गिरावट को रोक नहीं पाए। बंगाल में 12वीं
शताब्दी में सेन वंश पाल वंश का उत्तराधिकारी बना। पाल राजशाही नीति निजी और राज्य के हित के लिए एक साथ विकसित हुए साम्राज्य प्रत्यक्ष रूप से प्रशासनिक क्षेत्रों और जमींदारी प्रमुखों द्वारा प्रशासनिक क्षेत्रों से युक्त था। पालों के शासन में जमींदार प्रमुखों का चक्र संवाद चक्र कहा जाता था। गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार आरंभिक दिनों में एक कबीले थे जो संवाद गुर्जर के वंशक थे। गुर्जर 6वीं शताब्दी ईस्वी में भारत में आकर बस गए थे। हालांकि यह वह माना जाता है कि गुर्जर प्रतिहार यहाँ के मूल निवासी थे और क्षेत्रीय वर्ग के थे। उनके पूर्वज हरिचंद्र थे। उनके भद्र नामक एक क्षेत्रीय महिला से विवाह किया। भद्र के पुत्र ने सभी व्यापारिक क्षेत्रों व्यापारिक उद्देश्यों के लिए उनकी जाति को अपनाया। कुछ शैक्षियों से प्रतिहार को उनका पूर्वज बताया गया है। माना जाता है कि उनके पूर्वज लक्ष्मण से संबंधित थे। उन्होंने एक अवसर पर राम के प्रतिहार के रूप में कार्य किया। राजवंश का अत्यधिक नाम प्रतिहार एक बदनाम है। यह इस तथ्य से संबंधित इस तथ्य से साबित होता है कि परिवार ने संप्रभुता के ग्रहण अतिग्रहण के बाद भी प्रतिहार के कार्यालय का प्रतीक चिन्ह धारण करना जारी रखा। प्रतिहार बहु देवादि थे और वह विष्णु शिव और भगवती की पूजा करते थे। वे हर्ष के शासनकाल के दौरान राजपूतना के एक छोटे से साम्राज्य के स्वतंत्र शासन थे। उन्होंने 8वीं शताब्दी की शुरुआत में किन्नौज पर कब्जा करके अपनी शक्ति बढ़ा दी थी। मुस्लिम विजय से पहले उत्तरी भारत में प्रतिहार साम्राज्य संभवत अंतिम महान साम्राज्य में से एक था। पश्चिमी भारत विशेषकर गुजरात और मालवा गुर्जर प्रतिहारों के प्रभाव में थे। मालवा बहुत उपजाऊ था और गुजरात अत्यधिक और बाहरी व्यापार का हिस्सा था। प्रतिहारों ने अरबों की घुसपैठ का विरोध किया और उत्तर भारतीय राजनीति में भी शामिल हुए, लेकिन उन्हें मुख्य रूप से पश्चिम से विदेशी आक्रमणों के सफल प्रतिरोध के लिए श्रेय दिया जाता है। इस राजवंश के पहले महान शासन नागभट्ट थे, जिनके शासनकाल के दौरान अरब मुसलमानों ने सिंध पर कब्जा कर मध्य भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वे हार गए और वापस चले गए। नागभट्ट ने अपने उत्तराधिकारियों को मालवा और राजपूतना और गुजरात के कुछ हिस्सों में एक शक्तिशाली राज्य विरासत में सौंपा। नागभट्ट के भतीजे कक्का और देवराज के पुत्र वत्सराज ने धीरे धीरे उत्तर में अपना प्रभुत्व बढ़ाया। वत्सराज ने बंगाल के पाल शासक धर्मपाल को हराया। वह उत्तर भारत में वर्चस्व के लिए पाल के राजकूटों के साथ त्रिकोणीय संघर्ष में भी शामिल थे। राष्ट्रकूट शासन ध्रुव के हाथों में उनकी हार के बाद उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जाना गया और ऐसा लगता है कि उनकी सत्ता केंद्रीय राजपूतना तक ही सीमित रही। वत्सराज के पुत्र और उत्तराधिकारी नागभट्ट द्वितीय ने अपने आरंभिक सेना कारनामों से मालवा आदि के पहाड़ी किलों पश्चिमी गाठियावाड़ सिंध के प्रमुख और आंध्र के शासकों कलिंग और विंध्य पर विजय प्राप्त की। उसके शायद किन्नौज पर कब्जा कर लिया जो बाद में प्रतिहारों की राजधानी बन गया। राजकूट शासक गोविंद तृतीय के साथ संघर्ष में आने के कारण नागभट्ट की सफलता कम हो गई और उसने करारी हार झेली। उसका एक साम्राज्य स्थापित करने के सपने चकनाचूर हो गए। नागभट्ट द्वितीय ने उलट फेरने धर्मराज और उनके पुत्र देवपाल को पाल वर्चस्व को फिर से स्थापित करने का मौका दिया। नागभट्ट द्वितीय के पुत्र रामभद्र ने मुश्किल से 3 वर्षों तक शासन किया।
रामभद्र के पुत्र और उत्तराधिकारी मिहिर भोज थे, जो इस राजवंश के सबसे शक्तिशाली शासक साबित हुए। वे किन्नौज को नियंत्रित करने में सफल रहे और इसे अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने किन्नौज के आपस के क्षेत्र को भी हासिल किया। इस प्रकार भोज अपने परिवार के भाग्य को फिर से स्थापित करने में सफल रहे, लेकिन जल्दी ही उन्हें पाल राजा देवराज देवपाल ने हरा दिया। उसने फिर राजकूटों पर आक्रमण किया, लेकिन एक बार फिर राजकूट शासन ध्रुव से हार गया। एक बार फिर से प्रतिहारों की बढ़ती शक्ति को उनके पारंपरिक शत्रु पाल और राजकूटों ने रोका, लेकिन भोज ने 9वीं शताब्दी के दौरान एक बार फिर अपने आक्रमण नीतियों का नवीनीकरण किया। उन्हें इस बात से मदद मिली कि देवपाल की मृत्यु हो गई थी और पाल वंश के अगले दो राजा कमजोर थे। सौभाग्य से राजकूट राजा उम्मीद वंश आक्रमण नहीं था और धार्मिक स्वभाव का था। पाल शासकों की कमजोरी और राजकूट छापों के कारण उनकी विचलित स्थिति का लाभ उठाते हुए भोज ने पाल राजा नारायण पाल को परास्त किया और काफ़ी पश्चिमी हिस्सा जीत लिया। भोज भी राजकूटों के साथ लंबे समय तक संघर्ष में लगे रहे। उन्होंने कृष्ण द्वितीय को हराया, मालवा पर कब्जा कर लिया और गुजरात एक पूरे खंडिहार वार्ड प्रायद्वीपीय पर वर्चस्व बनाए रखा। उत्तर पश्चिम में उनका प्रभुत्व पंजाब तक बढ़ा। पूर्व में गोरखपुर और कलचुरी उनके संवाद थे। बुलेंदखंड के चिंदेड़ों ने भी उनके पराक्रम को स्वीकार किया। इस प्रकार भोज ने उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य को मजबूत किया और किन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। भोज एक महान शासन और साम्राज्य निर्माता साबित हुए। महेंद्रपाल ने अपने पिता भोज की तरह कलाओं का संरक्षण करते हुए अपने राज्य की गरिमा को बनाए रखा। उसने पूर्व की ओर भी राज्य का विस्तार किया। हालांकि प्रतिहार साम्राज्य महेंद्रपाल की मृत्यु के बाद घटने लगा। उसके उत्तराधिकारी कमजोर थे और अपने विशाल साम्राज्य की रक्षा करने में असमर्थ थे। 10वीं शताब्दी में मध्य तक राजा गहरे संकट में था और इसके शासकों से विघटन की ताकतों पर अंकुश लगाना मुश्किल हो गया। इसके बाद प्रतिहारों के प्रत्येक शासन क्षेत्र में काफ़ी हद तक कमी आई। आखिरी झटका महमूद गजनी से आया, जब उसने 1018 में किन्नौज पर हमला किया। महमूद के बाद प्रतिहारों ने किन्नौज पर कब्जा कर लिया, लेकिन तब तक वह अपनी सारी शक्ति को प्रतिष्ठा खो चुके थे। किन्नौज एक छोटी रियासत में सिमट गया था। बाद में एक और राजपूत राजवंश राठौर ने 1090 के दौरान किन्नौज पर कब्जा किया। पाल प्रतिहारों और राजकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष। उत्तर भारत में वर्चस्व के लिए प्रतिहार पाल और राजकूटों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष भारतीय राजनीति में एक सदी से अधिक समय तक एक महत्वपूर्ण कारक बना रहा। किन्नौज शहर जो हर्षवर्धन द्वारा प्रतिनिष्ठ हो गया, बाद में हर्ष शासक ने इसे विजित करने का हर संभव प्रयास किया। अपनी सामरिक और भौगोलिक क्षमता के कारण किन्नौज गुरु तत्वा संघर्ष का केंद्र बन गया। ये दोहाव के मध्य में स्थित था। इस प्रकार किन्नौज पर नियंत्रण का मतलब पूर्वी और पश्चिमी गंगा की घाटी पर नियंत्रण था। यह भूमि और जल मार्गों के साथ भी जुड़ा हुआ था, इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं था कि तीन प्रमुख समकालीन शक्तियों पाल प्रतिहारों और राजकूटों ने किन्नौज को नियंत्रित करने के लिए बार बार प्रयास किए। 18वीं शताब्दी के अंत से 9वीं शताब्दी के अंत तक के बीच के काल में उत्तर में प्रतिहार, पूर्व में पाल और दक्षिण में राष्ट्रकूट लगभग एक ही समय में शक्तिशाली राजवंशों के रूप में उभरे।
वासराज गुर्जर प्रतिहार वंश के स्थापक ने राजस्थान और उत्तर पश्चिमी भारत के बड़े हिस्से पर 783 ईस्वी के आसपास विजय प्राप्त की। दूसरी ओर आरंभिक पाल शासकों गोपाल और धर्मपाल ने बंगाल से पश्चिम की ओर अपना विस्तार किया। वासराज ने पाल राजा को हराया। इस बीच राष्ट्रकूटों ने दखन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उत्तर की ओर बढ़े। राजकूट राजा ध्रुव ने एक बड़ी सेना के साथ गंगा के मैदान पर आक्रमण किया और वासराज और धर्मपाल दोनों को हरा दिया। ध्रुव की मृत्यु के बाद जब राजकूट सत्ता पर कुछ समय के लिए ग्रहण लगा तब धर्मपाल ने किन्नौज पर विजय प्राप्त की, लेकिन जल्दी ही नागभट वासराज के पुत्र ने प्रतिहारों के वर्चस्व को बढ़ाया और धर्मपाल को हराने के लिए आगे बढ़ा। इस जीत से राजकूट राजा गोविंद द्वितीय को बहुत ईर्ष्या हुई। इन्होंने नागभट के राज्य पर आक्रमण किया। धर्मपाल ने किन्नौज को फिर से विजित किया। शासकों की अगली पीढ़ी में धर्मपाल के पुत्र देवपाल सबसे प्रमुख थे। उन्होंने समकालीन प्रतिहार और राजकूटों शासकों पर अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाया। 9वीं शताब्दी में प्रतिहार राजा भोज और महेंद्रपाल अपने अन्य समकालीनों की तुलना में अधिक शक्तिशाली साबित हुए। धीरे धीरे किन्नौज में भारत सत्ता का मुख्य केंद्र बन गया। 9वीं शताब्दी के अंत में राष्ट्रकूट राज्य ने अपने राजा इंद्र द्वितीय को कृष्ण द्वितीय के शासनकाल में कुछ विकास किए, पर वह पूर्ण पतनोमुखी हो गया। 10वीं शताब्दी के अंत तक प्रतिहार अभी भी अपनी राजधानी किन्नौज को बनाए रखने में कायम रहे। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता में गिरावट को मोहम्मद गजनी के आक्रमण ने 1001 से 1027 ईस्वी तक तेज कर दिया। इन हमलों ने क्षेत्र में पूरी राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिर कर दिया और भारत इस हमले से उभर नहीं पाया और अंत तुर्कों ने अंत इसे जीत लिया। अब सार, भारत में आरंभिक मध्ययुगीन काल में विशेष सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के दृष्टिकोण से भी यह काल बहुत महत्वपूर्ण था। आरंभिक मध्ययुगीन भारतीय राजनीतिक संरचना का अध्ययन मोटे तौर पर 3 दृष्टिकोण पर आधारित है। समवर्ती राजनीतिक विभाजन की स्थिति, सिमेट्री स्टेट मॉडल और एकीकृत राजनीतिक इंटीग्रेटिव पॉलिटी। प्रत्येक की अपनी प्रयोज्यता और सीमाएं विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में हैं। क्षेत्रीय शक्तियों के उत्तरों ने अक्सर एक दूसरे पर वर्चस्व हासिल करने के लिए संघर्ष किया। उत्तर भारत में किन्नौज के अधिग्रहण के लिए गुर्जर प्रतिहारों पाल और राजकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष इसका एक अच्छा उदाहरण है। सारांश, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी और उनके विशाल राज्य के खंडहरों पर बड़ी संख्या में छोटे राज्य स्थापित हो गए। आरंभिक मध्ययुगीन भारतीय राजनीतिक संरचना का अध्ययन सीमित विभिन्न प्रकार के मॉडलों के आधार पर किया जा सकता है। समवर्ती राजनीतिक स्थिति, सिमेट्री स्टेट मॉडल और एकीकृत राजनीति, इंटीग्रेटिव पॉलिटी। उत्तर में गुर्जर प्रतिहार, पूर्व में पाल और दक्षिण में राजकूट लगभग एक ही समय में शक्तिशाली राजवंशों के रूप में उभरे। किन्नौज के कब्जे में तीनों शक्तियाँ आपस में भिड़ गई। दोस्तों, चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।